ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपनी अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मृत भक्ति की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदस्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण निछावर करने का काम किया। इन वीर सैनिकों का नाम इस प्रकार से है: लेफ्टिनेंट अमनजोत सिद्धू दवाड़ी सिरसा, सूबेदार अजीत सिंह गांव फरमाना रोहतक, नायब सूबेदार विजय कुमार शर्मा दोगता जाट महेंद्रगढ़, नायब सूबेदार मनोज कुमार निरमतपुर रेवाड़ी, उप निरीक्षक भारू सिंह आहार पानीपत, उप निरीक्षक बजरंग कुमार नांगड़ सिरोही महेंद्रगढ़, हवलदार बलवान सिंह फूलपुरा भिवानी, हवलदार वेद प्रकाश मोड़ी चरखी दादरी, नायक काश खटाना दमदमा गुड़गांव, नायक कपिल देव ढाठरथ जींद, सिपाही महेंद्र सिंह भिवानी, सिपाही बिप्रिन बिछवारलिया कमारिया महेंद्रगढ़, प्रेमचंद्र छात्र जींद, सिपाही दिलीप कुमार बिद्वास रेवाड़ी, सिपाही इंद्रजीत सिंह ढाणा महेंद्रगढ़, सिपाही सुरेंद्र सिंह खरखड़ी हिसार, सिपाही पवन कुमार ढाणी मामराज महेंद्रगढ़, सिपाही विनोद कुमार रतनथल रेवाड़ी, सिपाही अमित मिरान भिवानी, सिपाही रजनीश असोदा झज्जर, सिपाही उमेद सिंह सरोड़ा झज्जर, सिपाही राकेश कुमार गंगोली जींद, सिपाही महेंद्र सिंह चन्नत हिसार, कमांडो सोनू पिलानिया काकड़ोली हट्टी चरखी दादरी। ये सदन इन वीर की शहादतों पर सत सत नमन करता है और शोक संवंत परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन कोविड महामारी 2019 के कोरोना योद्धाओं व व्यक्तियों के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संवंत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के भाई श्री गुलशन खट्टर, विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी की माता जी श्री कांता देवी और मेरी नानी जी, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी की के चाचा श्री प्रताप सिंह मलिक, सांसद श्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा के पिताजी श्री सतगुरु दास शर्मा, सांसद नायब सिंह की ताई श्रीमती जगीरो देवी, सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा के भाई श्री वेदपाल जांगड़ा, विधायक श्रीमती किरण चौधरी के पिता ब्रिगेडियर आत्मा सिंह जी तथा माताजी श्रीमती सरला आत्मा सिंह जी, विधायक सुभाष सुधा की बहन श्रीमती लाजवंती तथा ताई भाई कुलभूषण सुधा, विधायक श्री राकेश दौलताबाद के भाई संदीप जांगू, विधायक श्री लक्ष्मण नापा के भाई श्री ओम प्रकाश, विधायक श्री नीरज शर्मा के मौसा मास्टर महेश चंद्र शर्मा तथा बुआ श्रीमती शांति देवी, विधायक श्री हरिंदर कल्याण की माताजी श्रीमती सोना देवी, विधायक मम्मन खान जी की सास श्रीमती हजारा बेगम, विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी के चाचा श्री लाला राम जी, विधायक श्री जगदीश नायर जी के भाई हरी चंद्र नायर जी तथा भतीजे जयवीर नायर जी, विधायक श्रीमती शैली चौधरी जी की माता जी श्रीमती स्नेहलता तथा विधायक विशंबर सिंह जी के भाई हवलदार राकेश कुमार के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगताओं के शोक संपन्न परिवारों के तथा अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखें।
श्याम। मैं आपके माध्यम से माननीय सभी सदस्यों के सामने एक प्रशंसा प्रस्ताव ये रख रहा हूं। ये सदन टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों, विशेष रूप से पदक विजेताओं को देश व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए बधाई देता है। सदन को इस बात पर गर्व है कि इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के 127 खिलाड़ियों में से 30 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं। सदन को देश के 6 व्यक्तिगत पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते जाने पर विशेष गर्व है। इसके अलावा 41 वर्षों बाद हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष टीम में भी 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार व सुमित कुमार हरियाणा के हैं। इन खेलों में देश की महिला हॉकी टीम में हरियाणा से 9 खिलाड़ी थी, जिन्होंने जिस कौशल और दमखम के साथ ओलंपिक में प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंची, उनकी सर्वत्र सराहना हो रही है। हमें अपनी इन बेटियों पर भी गर्व है। यह सदन जेवलियन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया और कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को बधाई देता है। नीरज चोपड़ा ने तो ओलंपिक खेलों के 121 सालों के इतिहास में देश को ट्रैक एंड फील्ड खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। हरियाणा भारत का पहला प्रदेश है जिसके किसी खिलाड़ी को एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला है, जिसका हमें स्वाभिमान है। इस सदन को पूरा विश्वास है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भी हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तथा अधिक से अधिक मेडल प्राप्त कर हरियाणा व देश का नाम ऊंचा करेंगे। 24 अगस्त 2021 से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक में भी हमारे 19 खिलाड़ियों ने अपना चयन करवाकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। हम उनकी भी जीत की कामना करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रशंसा पत्र को सदन सर्वसम्मति से पारित करे। मैं माननीय सदस्यगण सदन की तरफ से शुभकामनाएं और बधाई संदेश सभी पदक विजेता खिलाड़ी और महिला हॉकी खिलाड़ी के सभी सदस्यों को भिजवा दिया जाएगा। 27/12/2018 को ये कह दिया और 4 दिन का टाइम देके कि आने वाली 31 तारीख को महीना खत्म होने वाला था कि आने वाली 31/12 यानी 4 दिन बाद 31/12 तक भी जो लोग अप्लाई करेंगे उनको सबको कनेक्शन देंगे। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, उन 4 दिनों में 100 रुपया भर करके कम से कम 30,000 लोगों ने लाइन में लग के खड़े हो गए। अधिकार है, उन्हें अधिकार मान लिया, लेकिन उन्हीं को फिर जब ये कहा कि आप जो है रिक्वायर्ड मनी ये जमा कराइए, 30,000 रुपया जमा कराइए, जब 30,000 रुपया जमा कराने की बात आई तो वही 84,000 से घट करके 56,000 हो गए हैं, इसलिए 28,000 तो वही खत्म हो गए हैं। अगर वो 100 रुपया भर करके लाइन में लगते हैं और वो कनेक्शन की उनकी आवश्यकता हो, 30,000 रुपया नहीं भरते हैं तो 28,000 का तो कोई अर्थ नहीं है। आज जब 56,000 बचते हैं तो हमारी प्रायोरिटी उन 56,000 लोगों को जिन्होंने 30,000 रुपया भरा था उनको पहले कनेक्शन देने की बात है। और उसके बाद भी अब कनेक्शन लेने में किसान तो हर कोई चाहता है कि मुझे कनेक्शन मिले और मैं फटाफट पानी खींचो और ऊपर ले आऊं। ये 2018 के बाद जब ये सारे कनेक्शन की बात आई उस समय ये पानी का जो संकट है उसके बाद ही, क्योंकि जो वाटर लेवल नीचे गया और जिसके कारण से डार्क जोन में कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, ये केंद्र सरकार की एक उस समय एक डायरेक्शन थी। उसके अंदर भी हजारों लोग उस एरिया के थे जहां कनेक्शन नहीं दिए जा सकते थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने भले ही वो वापस ले ली है सूचना कि हम अब कोई ऐसी सूचना नहीं देते हैं कि उनको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये सूचना वापस हो गई, लेकिन हमारी चिंता आज भी है कि हर साल ऐसे एरियाज हैं, हर साल पानी 1 मीटर 1.5 मीटर नीचे जा रहा है, एक पाइप हर साल ट्यूबवेल कनेक्शन वालों को डालना पड़ता है। 2008 से लेकर के और 2020 तक के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, 12 मीटर 14 मीटर 15 मीटर पानी डाउन चला गया है। अगर इसको हमने नहीं रोका तो निश्चित रूप से आने वाले 10-12 साल में क्या होगा, ये जो पानी है ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे लिए बनने वाला है। इसके कारण से हमने योजनाएं चलाई। योजनाएं क्या चलाई? हमने कहा कि पानी कम निकालिए, धान कम बुआई करिए। धान न बोने वाले को हमने 7,000 रुपया एकड़ ये पैसा दिया। 1,00,000 एकड़ किसान पर लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने 1,00,000 एकड़ पिछले साल कम किया। इस साल 2,00,000 एकड़ का अपील की हुई हमने और इस 2,00,000 एकड़ में भी लोग और आ रहे हैं।
जो कह रहे हैं ठीक हम धान नहीं बोएंगे, हमें भी पता है कि पानी का संकट है। तीसरी बात हमने ये कही कि अब हम ज्यादातर यानी प्रेफरेंस उसी को देंगे जो माइक्रो इरिगेशन पर आएगा। माइक्रो इरिगेशन में वो जो सब्सिडी है जो 60% 65% होती थी, हम लोग 85% कर दी है कि 85% सब्सिडी सरकार दे देगी, लेकिन आप माइक्रो इरिगेशन पर आइए और आपको तुरंत कनेक्शन मिलेगा।